भारत में मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। इस वक्त हम लोग चंडीगढ़ में खड़े हैं और चंडीगढ़ के हलो माजरा में सबका विकास किस तरह से मोदी सरकार कर पा रही है उस पर सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पीछे लोग खड़े हैं और जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ की गली का हाल देख लीजिए, कच्ची गली है, बरसात में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। इसके साथ ही थोड़ा सा आगे की तरफ देखेंगे, आगे की तरफ बनाई भी जा रही है, यहाँ जो जेई है और यहाँ पर जो बीजेपी शासित नगर निगम है उनके द्वारा यहाँ पर टेंडर पास करके इसको सड़क को बनवाया जा रहा है, लेकिन पार्शियलिटी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पार्शियलिटी ये है कि ये सड़क सिर्फ इधर तक ही बनाई जाएगी जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, उसके बाद ये पीछे की जो जनता है जहाँ इतने घर हैं वहाँ के लिए सड़क नहीं बनाई जाएगी, यहाँ के लोगों ने बताया। आइए लोगों के पास चलते हैं। सर क्या नाम है आपका? मलकीत सिंह। सर ये क्या मामला है ये सड़क का? ये तो पता नहीं लग रहा है, ये दो पासे छट दिया जी, मुरे मुरे क्या कहते बनाऊंगे, ये तो पीछे छट दूंगे, असं जाए मेयर पर भी जाए कमीशन पर सारे पासा जाए, दो महीने हो गए हैरान हो रहे, कोई आई गई नहीं दे रहा, पता ही नहीं लग रहा जी। तो मेयर का क्या क्या बोला उन्होंने जाके? तो बोल रहे असं सारी बनवाऊंगे, दो गलियां बनवाऊंगे, कहते हूँ 5-10 दिन नहीं कहते तेगा मट्टी चकूंगे, पर महीना 1.5 महीना लंघ गया जी, कोई नहीं आया इधर। अच्छा तो एक बार और आगे कुछ लोगों के पास चलते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम BS रावत है जी। रावत जी ये गली का क्या मसला है, कितना वक्त हो गया है? ऐसा है साहब, हमें 27 जून को ये पता लगा था ठेकेदार से कि वो जो है यहाँ इसके बराबर में इस यू शेप गली को नहीं बनाएंगे। उसके बाद हमने उस दिन अपने काउंसलर साहब से टाइम लिया 30 जून। काउंसलर का नाम क्या है आपका? भरत कुमार जी हैं, राम दरबार में रहते हैं। उनसे टाइम लिया, वो 30 जून को हमारे पास आए भी हैं। आके उन्होंने क्या किया, उस टाइम तो जेई साहब को मतलब बहुत तीखे हिसाब से हड़का रहे थे, जैसे एक पॉलिटिशियन अपना अमूमन हड़काता है कि जी ये काम होना चाहिए और मैं देख लूँगा, इस्टीमेट को मैं देखूँगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आप जो है यहाँ कल से मशीन ला के और यहाँ मिट्टी उठाओ। लेकिन उसके बाद से आज तक किसी को कोई टेंशन नहीं है। मेयर साहब को हम मिल लिए, कमिश्नर साहब को हम मिल लिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी 3 बातें कही थी सरकार चलाने के लिए, वो 3ों बातें यहाँ पर जो काम हो रहा है उसमें फेल है। पहली बात उन्होंने ये कही थी कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये मैक्सिमम गवर्नेंस का रिजल्ट है कि आप जो है इस तरह से इस काम को कर रहे हो। दुख इस बात का है कि इसकी आपने 2 बार इसका उद्घाटन कर लिया, सितंबर 2018 में आपने उद्घाटन किया, फरवरी 19 में आपने उद्घाटन किया, एक ही गली का 2 बार उद्घाटन। ये दीप कॉम्प्लेक्स एक है राम दरबार से लेके और यहाँ अंबाला रोड तक, पहला उद्घाटन राम दरबार की साइड से हुआ, दूसरा उद्घाटन आपके ये अंबाला रोड तक। कौन आया था उद्घाटन करने? मेंबर पार्लियामेंट श्रीमती किरण खेर जी आई थी, वो करके गई है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मेनली पहला पॉइंट उन्होंने जो मैक्सिमम गवर्नेंस है उसका रिजल्ट है, दूसरा उन्होंने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास, तो सबका साथ ये है सबका विकास वो है, ठीक है, 2 दिशाएं अलग अलग चली गई, ठीक है ना। तीसरा उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो जो पैसा गलियां बनने के लिए आया वो गया कहां? क्योंकि जब हम पूछ रहे हैं कि हाँ जी हमारी गली क्यों फंड नहीं है जी, फंड नहीं है जी, इस गली के लिए फंड खत्म हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको एस्टिमेट ही नहीं था कि यहाँ खर्चा क्या लगना है, आपने जो है कैसे इसका 2 बार उद्घाटन कर दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश की जो महापंचायत संसद है उसका सदस्य उद्घाटन कर रहा है, क्या उसके उद्घाटन की इतनी ही वैल्यू है जी? दुख इस बात का है, ठीक है ना। और आप जो है मतलब है कि ये कैसे कर रहे हो कि आपने वहां काम किया उसके बाद वहां छोड़ दिया, उसके बाद आपने ये एक मेन गली यहां बना ली जो बाद में बननी चाहिए थी, दोबारा उद्घाटन करके वो मेन गली बना ली, उसके बाद फिर छोड़ दिया, ये 3री बार काम हो रहा है और 3री बार भी इस तरह चुन चुन के हो रहा है। तो ये हम इसको सौतेला व्यवहार कहें या गाढ़ा प्रेम कहें क्या कहें, हमारी समझ में अपनी नहीं आ रही। यहाँ तस्वीरों में देख के ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कुछ ज्यादा ही गाढ़ा प्रेम है। आपने कुछ कागज पकड़ाए थे, इन कागजों को कुछ अपनी भाषा में बयां कीजिए, क्या क्या है ये कागज और थोड़ा कैमरे में भी दिखाइए कि क्या है, थोड़ा उस तरफ को कर दीजिएगा। ऐसा साहब ये हमने 12 जुलाई को चिट्ठी दी थी, मेयर साहब को दी थी, कमिश्नर साहब को दी थी, उनको ये कहा था कि जी ये आप गली जो बना रहे हो इसमें 2 बार आपने उद्घाटन कर लिया लेकिन ये काम क्लियर नहीं हो रहा है। उन्होंने हमें उसी टाइम लिख के ये मतलब एश्योर किया था कि जी हम इसको करवाएंगे और बहुत जल्द करवाएंगे, ठीक है ना, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इसमें ये एक फोटो लगी हुई है उद्घाटन की, ये फोटो है 4 सितंबर की,
ये राम दरबार की साइड जो है किसी दीवार पे इस तरह से पत्थर लगा हुआ है, स्मृति पटल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, शिलान्यास हुआ है काम का, ये वो है, ठीक है जी। अगला इस पर एक ये दूसरा लगा हुआ है, ये 23 फरवरी 2019 का है। ये 23 फरवरी 2019 में इन्होंने दोबारा उद्घाटन किया जिस टाइम पे मेन गली बनी, ठीक है साहब। इसके बाद जो है ये हमने अभी जो ये छोटा सा एरिया इन्होंने किया है कि जी ये हम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हमारा ये एक्सक्लूडेड एरिया ये रहा, बाकी ये गलियां बन रही हैं। यहाँ पर एक गली लास्ट में थी, वो भी ठेकेदार ने कहा था नहीं बनेगी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, वहाँ से मिट्टी उठ गई, यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि शायद मतलब ये कि हम हैं जो लावारिस हैं। एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब आप जो है टेंडर कॉल कर रहे हो, टेंडर कॉल के लिए आपने कहा तो आपने सारी ये हाउस नंबर डाले हुए, सब कुछ किया हुआ है, जब आपने वहाँ टेंडर पास किया, ठेकेदार को काम दिया, तो आपने सेकेंड नंबर पे सारे मकान नंबर कवर्ड हैं, सेकेंड रो में है ये सेकेंड रो जो है आपने जब ठेकेदार को काम दिया तो ये सेकेंड रो हटा दी। ये सेकेंड रो क्यों हटा दी ये नहीं पता। ये काम करने का जो तरीका है ये एक हाई लेवल की इंक्वायरी रिकमेंड करता है। इसमें एक चीज मेरे समझ नहीं आई, इतने नंबर है प्रदर्शित किए गए हैं, इसको अंकित किया है यहाँ पर आपने दूसरे नंबर पे, ये गली कौन सी है? ये गली सर ऐसा है कि यहाँ पर एक तो ये सामने मकान है, उसके पीछे से 935 नंबर शुरू होता है, और ये प्लाट यहाँ पर 946 नंबर है, 947 नंबर ये घर शुरू होता है यहाँ से, 947 से स्टार्ट हो रहा है और 965 तक ये सामने आ रहा है, ये जो काली गाड़ी खड़ी है इसके पीछे 965 नंबर है, ठीक है, और 969 ऐसे पहुंच गया है, ये लाइन एंड हो रही है, उसके सामने वाला मकान है 969 तक है। टेंडर में इतने का पैसा लिया गया है, मतलब टेंडर पास हुआ है कि इतने तक बनाया जाएगा, रोड कहाँ है? रोड सर आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात क्या है हमारे लिए जो दुख है, वो दुख क्या है, यहाँ पर आप देखिए कई मकान नीचे गए, वो सामने देखो मकान वो नीचे है, गली से नीचे है, ठीक है ना, वो सामने देखो मकान गली से नीचे है, और ऐसे कई मकान है, यहाँ 5-7 मकान ऐसे जो नीचे दब रहे हैं। अगर यहाँ मतलब पानी भर गया तो पानी भर के क्या होगा कि जिनके घरों में पानी बढ़ेगा उनके घरों में साथ साथ सांप बिच्छू भी बढ़ेंगे जी। उन सांप बिच्छुओं को हटाने के लिए क्या इंतजाम है? और यहाँ तक कि जो बन रहे हैं, यहाँ पर दो घर बनते हुए, गली बन रही है, यहाँ पर दो घर ऐसे जो डूब रहे हैं नीचे, मेरे ख्याल से इनको प्रशासन को या कारपोरेशन को या ठेकेदार को इन दो घरों को जो है पानी निकालने के लिए एक मोटर और बाल्टी और जग देना चाहिए कि भाई जब भी रात बिरात आपके घर में पानी बढ़े, क्यों गली तो साफ चाहिए, तो पानी जब बढ़ेगा तो भाई आप फेंकने के लिए मोटर चला लेना, बाल्टी सी डाल लेना जी। पर ऐसा करना। आगे जाना चाहूंगा, आगे के पेपरों में क्या क्या मेंशन किया है? हाँ जी, आगे के पेपरों में अभी तो हमने मेंशन यही किया कि हमारा ये काम करो, अगर ये काम अब क्या है इसके ऊपर अल्टीमेटम है, अगर कुछ कार्रवाई होती है तो ठीक है, अदरवाइज हम डीसी साहब से पूछेंगे कि जनाब मेंबर पार्लियामेंट का जो फंड होता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो होता है आपके थ्रू जाता है, तो आपने इनसे क्या पूछा इसके बारे में कि भाई कितना काम अपडेट हुआ? एक बार जो जेई है उनका क्या नाम है? सर जेई है, यहाँ पर नाम मेरे दिमाग घूम रहा है, एक SDO साहब है जयदीप जी, जेई है सुरेश कुमार जी है, और एक्शन अजय गर्ग जी है। किसी अधिकारी का नंबर है आपके पास? हाँ, आपके नंबर आपको सबके मिलेंगे, एक बार आप नंबर ही मिलाइए, देखते हैं क्या कहते हैं। किस अधिकारी का नंबर आप वैसे मिलाने जा रहे हैं? सर आपके हिसाब से तो एक्शन साहब से डायरेक्ट बात होनी चाहिए। एक्शन साहब से बात करते हैं, क्या नाम था एक्शन जी का? अजय गर्ग जी। अजय गर्ग जी, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं राहुल तिवारी बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय खबर न्यूज़पेपर से। हाँ जी। सर एक मामला था अपने यहाँ हल्लो माजरा की साइड, एक डीप कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे सर रोड बनाई जा रही थी, तो एक गली है यू शेप की गली, उस गली में मेंशन तो टेंडर में है कि वो दिया हुआ है उसमें कुछ नंबरों तक वो गली कवर्ड है, पर उसके बाद यहाँ पर किसी भी तरह का काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ गली के लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ छोड़ दी गई, बाकी जगह बनाया जा रहा है। गली के लोगों का तो 10-15 में बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो आपने देखा कि जो एक्शन है उन्होंने क्या जवाब दिया, वैसे खेद है कि आज के छुट्टी वाले दिन हम लोगों ने उन्हें ज़्यादा परेशान कर दिया, पर मसला ये नहीं है कि परेशानी कहाँ तक है, मसला ये है
ये लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो रोज ही ऐसी परेशानी को झेलते हैं, और अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, आए दिन यहाँ पर कीचड़ और बारिश का पानी घरों में घुसता है, जिस तरह की रोज ये समस्याएं झेलते हैं। गर्मियों में मच्छर, अलग अलग तरह की बीमारी, ऊपर से कोरोना महामारी भी अपने पैर पसारे हुए, कहा जाता है कि तीसरी लहर आने को तैयार है। लेकिन इस सब के बीच में चंडीगढ़ की जनता के साथ पार्शियलिटी हो रही है, वो आपने देखा, और ये लोगों का भी सुना कि इन लोगों को कितनी तरह से जो किस किस तरह से समस्याएं हैं और कितनी परेशानियां हैं वो झेलने को मिल रही हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रजत के साथ राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।